हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। एंड मैं आ गई हूँ एक न्यू एनिमेशन वीडियो लेकर, जो है क्लास 9 की मोमेंट्स बुक का चैप्टर द लास्ट लीफ की। तो ये जो चैप्टर है, ये आपकी बुक का 7 चैप्टर है। एंड इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी समझेंगे एनिमेशन के थ्रू। इस चैप्टर में बेसिकली दो फ्रेंड्स होती हैं, यंग आर्टिस्ट। एक का नाम होता है सीयू, दूसरे का नाम होता है जॉन्सी। तो एक बार क्या होता है, नवंबर के मंथ में जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। शी इज़ कॉट बाई निमोनिया एंड जॉन्सी अपनी जीने की चाह ही छोड़ देती है। शी डजेंट वॉन्ट टू लिव। एंड ये देख के सीयू को बहुत बुरा लगता है। शी गेट्स वेरी सैड। बट सीयू ट्राई करती है कि वो जॉन्सी से, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, तो पेंटिंग्स, फैशन डिज़ाइन, इन सब के बारे में बात करके उसका इंटरेस्ट लाइफ में वापस ले आए। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जॉन्सी का ध्यान सिर्फ उसकी विंडो के बाहर जो एक लास्ट लीफ उसे नज़र आ रहा होता है उस पर होता है। एंड जॉन्सी ये डिसाइड कर चुकी होती है कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगा, मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो जब सीयू ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एंड देन शी थिंक्स डैट व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज जॉन्सी सीयू की बेस्ट फ्रेंड थी एंड सीयू अपनी फ्रेंड को गंवाना नहीं चाहती थी। तो इसके बाद सीयू मिस्टर बहरमान, जो उनके बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो भी एक 60-year-old पेंटर थे, उनके पास जाती हैं। एंड जो बहरमान हैं, वो चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाए। एंड सीयू उन्हें बताती है सब कुछ कि कैसे जॉन्सी को निमोनिया हुआ एंड अब तो वो जीना ही नहीं चाहती है। तो बहरमान बहुत सोचते हैं एंड देन ही थिंक्स कि वो उस लास्ट लीफ को पेंट करेंगे एंड इतना अच्छा पेंट करेंगे कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, जिसकी वजह से वो कभी गिरेगा ही नहीं और हमेशा जॉन्सी को वो अपनी विंडो से बाहर दिखेगा। तो उस पूरी बर्फीली रात को जो मिस्टर बहरमान है, वो इतनी ठंड में भी वो पेंट करते रहते हैं लीफ। एंड फिर नेक्स्ट डे जब जॉन्सी उठती है, तो पहले तो वो उदास होती है, लेकिन बाद में वो खुश हो जाती है, बिकॉज उसे उस विंडो से वो ग्रीन लीफ दिखता है जो अभी तक नहीं गिरा होता। तो इससे उसके अंदर जीने की चाह वापस आने लग जाती है। लेकिन तभी सीयू जॉन्सी के पास आती है और उसे बताती है कि मिस्टर बहरमान इज़ नो मोर, पिछली नाइट उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ निमोनिया। उन्हें भी निमोनिया था एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी और उन्होंने बाहर निकल के पेंट किया, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से मिस्टर बहरमान ने अपना मास्टरपीस बनाने का ड्रीम तो पूरा कर लिया, जॉन्सी को भी बचा लिया, बट ही डाइड। सो नाउ इट्स द टाइम टू नो द आंसर ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज होमवर्क क्वेश्चन। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी, नो मेन आर फॉरेन की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था, विच वॉज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मेन आर फॉरेन। तो इसका आंसर है जेम्स गिलकप, उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगी, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो सबसे पहले करेक्ट आंसर लिखेगा, उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की HH मीन्स होमवर्क हीरोज की कैटेगरी में लूंगी। इफ़ यू डोंट नो अबाउट HH, देन यू कैन सिंपली वॉच माय फर्स्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आई बटन पर मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है होमवर्क हीरोज के बारे में। सो द होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, नेम द 3 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर द लास्ट लीफ। तो ये जो चैप्टर है द लास्ट लीफ, इसके 3 कैरेक्टर्स के नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं।